हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भेलपूरी बनाने का एक बिल्कुल ही नया तरीका बताएंगे और ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा, तो इसे आप ज़रूर से बना कर खाएं। मार्केट में जो हम लोग भेलपूरी खाते हैं उससे कई ज़्यादा टेस्टी है और घर में बना है तो बिल्कुल फ्रेश भी है। तो बहुत कम चीज़ों को लेकर के हम ये भेलपूरी बनाएंगे। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा। पहले इसको बना करके खाएं और कमेंट करके बताएं कि ये नया तरीका कैसा था और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए लाई, तो हमने 100 ग्राम मुरमुरा लिया हुआ है। नमकीन हमने 50 ग्राम लिया है। कुरकुरे 1 पैकेट डालेंगे। एक बारीक कटी हुई प्याज, 1.5 चम्मच टोमेटो सॉस। सबसे पहले बाउल में हम प्याज डाल देंगे, फिर सॉस डाल देंगे। ऐसे तो आप इमली भी डाल सकते हैं लेकिन सॉस उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगता है। अच्छे से मिला लेंगे, फिर मुरमुरा डाल देंगे जिसको हम लाई भी बोलते हैं। उसके बाद इसको मिला लेंगे, फिर नमकीन डाल देंगे। कुरकुरे इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम सरसों का तेल इसमें ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं 1 बड़ी चम्मच से सरसों तेल डाल करके इसको मिला लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हमने छोटी चम्मच से लिया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमारा भेलपूरी एकदम स्वादिष्ट, बहुत ही इजली इसको बना सकते हैं आप। बहुत ही इजी प्रोसेस है ये और बना करके खाएं, एकदम झटपट बनाने वाली रेसिपी है। और झटपट बनाएं और एकदम टेस्टी टेस्टी सा स्वाद लें। और पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं कि आपको कैसा लगा। तो बाय, थैंक यू सो मच।